हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिस्टर टा मतलब, और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने आपके पास कंपाउंड एंगल के बारे में डिस्कशन किया था, है ना, और कंपाउंड एंगल कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे। आज का जो क्लास जो चलेगा वो कंपाउंड एंगल पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कंपाउंड एंगल में एक दो फॉर्मूले भी हमारे पास छूट गए थे, उसे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे अभी, है ना। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं। सबसे पहले मतलब कुछ फॉर्मूले हैं नॉर्मली वो छूटे हुए थे, तो मैं पहले उसको देख लेता हूँ ना, ठीक है। तो ना अब नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है पास देख लेता हूँ। फॉर्मूला ज़्यादा तो नहीं था, कुछ खास नहीं था, देखिएगा ना। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास में ये है कि साइन थीटा पास ए आप प्लस कितना है बी, अगर साइन ए प्लस बी करेंगे इंटू साइन ए माइनस बी। अगर ऐसा होगा कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड थीटा पास साइन स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाता है साइन स्क्वायर, कितना होता है बी होता है, ये होता है। अच्छी इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप कॉस उसमें चेंज कर देंगे तो ये पहले आ जाएगा, यानी कितना कॉस स्क्वायर बी और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर भाई साहब ए आ जाएगा, है ना। तो फाइनली हमारे सामने यही चीज़ आने वाले हैं। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला ये था, देखिएगा दूसरा फॉर्मूला ये था हमारे पास कि अगर आपके पास ऐसा होगा ना कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो भाई साहब इसका जो फॉर्मूला होता है ना यार, उसका ये होता है कॉस स्क्वायर ए, समझे ना, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि सर यहाँ पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी था, तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला टाइप का बन गया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो है यार थोड़ा अलग है, मतलब साइन कॉस जो है हमारे पास कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर आप इसको पलट दोगे तो ये थोड़ा पहले आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बी और माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा ए, अगर कॉस में चेंज कर देंगे तो। ये दो फॉर्मूला तो हमारे पास छूटा हुआ था ना, तो आज मैं ऐसा करता हूँ कि किसी एक का प्रूफ ही देख लेते हैं यार। चलिए ना पहला वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कैटा हमारे लोग प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ उसका क्या होगा, है ना। ज़्यादा कुछ खास नहीं देखते जाते हैं भाई साहब, हमारे पास है साइन ए प्लस बी है, ठीक है ना, ए टू यार साइन ए माइनस बी है, साइन कैटा पास ए माइनस बी है। सर अब क्या करोगे, मैंने बोला फॉर्मूला तो जानते हो आप, ब्रेक करो ना आप इसे, कितना हो जाएगा देखिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी है ना माइनस साइन बी इंटू साइन इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी साइन इंटू कॉस बी प्लस कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कितना के पास साइन बी, ये हो गया। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लगाओ फटाफट, है ना, देखिएगा ये कितना है, ये हो जाएगा पास साइन ए इंटू क्या भाई साहब कॉस बी है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू क्या साइन बी, है ना। देखिएगा फॉर्मूला में कुछ खास नहीं है, फॉर्मूला तो प्रूफ आप नॉर्मल चीज़ है, है ना। अच्छा, मैं फॉर्मूला प्रूफ करवाता क्यों हूँ आपको, फॉर्मूला प्रूफ मैं इसलिए नहीं करवाता कि मैं इसका प्रूफ का जरूरत है, कहीं पे भी जरूरत नहीं है यार। फॉर्मूला प्रूफ तो मैं इसलिए करवाता हूँ आपके पास में ताकि आप कई चीज़ों मतलब आपके इस फॉर्मूले को ना ब्रेक करने के, ब्रेक क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ रहा है हमारे पास इसके, कई चीज़ सीखने के लिए, मतलब ए प्लस बी के कई कैलकुलेशन हम लोग सीख जाते हैं इस फॉर्मूले को बना जब प्रूफ करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, इससे हम लोगों ने कैलकुलेशन बहुत ही चीज़ें सीखने को मिलता है और काफ़ी दिमाग लगाने के लिए मतलब मिलता है हमें, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि हम किसी भी चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको बहुत गहराई से समझते हो यार, समझिए ना, तो ये बात होता है। खैर देखिएगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो साइन इसको अगर आप ए मानेंगे बेटा क्या मानेंगे ए मानेंगे, और इसको अगर आप बी मानोगे तो ध्यान रखिएगा कितना होने वाला है, ये हो गया भाई साहब हमारे पास ए प्लस बी, और ये देखिएगा ये आपके पास ए हो गया और ये क्या आपके पास बी हो गया, देखो ना यही ना यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कितना साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो गया, देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू भाई साहब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। बोले सर इसके बाद के बारे में जरा बता दो आप मुझे, मैं बोला देखो फॉर्मूला में जो था ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसका मतलब या तो दोनों साइन में नहीं तो दोनों कॉस में फॉर्मूला में, तो भाई साहब यहाँ तो साइन भी है कॉस भी है, साइन भी है कॉस भी है, तो या तो यार फॉर्मूला ये बनाना चाहते हो तो सारे कॉस को साइन में चेंज करो, अगर ये बनाना चाहते हैं तो सारे साइन को कॉस में चेंज करो, बात खत्म हो गया है ना। तो मैं ये बनाने के मूड में हूँ ना, अगर ये बनाने के मूड में हो तो साइन में है सारे कॉस को साइन में चेंज करेंगे, देखिएगा हमारे पास कितना हो गया कि साइन स्क्वायर ए हो गया भाई साहब, ये लिखेंगे कितना पास वन माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस, ये देखिएगा ना कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, वन माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया इंटू कैटा साइन स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब बी हो गया, अच्छे से बढ़िया से देखेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा ना, ये माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस
वन इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितना हो गया बी, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कितना भाई साहब साइन स्क्वायर कितना हो गया पास बी हो गया। देख सकते हैं क्या आप, अच्छा देखिए ये चीज प्लस में यार ये चीज कट है माइनस में कट गया दोनों, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है आप देख सकते हैं क्या आ चुका है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए तो आ गया क्या आपके पास, अब सर पर है ना ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए अगर फॉर्मूला को देखिए यहाँ पर कितने कुछ सीखने को मिलता है मेरे पास ना, अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला को यहाँ पर यूज किया, ये तो आप फॉर्मूला से पढ़े हैं, बट आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को हमने यूज किया, ये भी एक बार दिमाग में सामने आया। ऊपर से मैंने देखा कि प्रूफ ये करना था भाई साहब, तो हमने क्या यूज किया, हमने ये यूज किया भाई साहब अगर मुझे साइन स्क्वायर में चाहिए मतलब साइन में अगर फॉर्मूला चाहिए तो सारे कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये एक तो दिमाग लगाने की तो चीज़ हुआ ना है आपके पास एक, अगर मुझे फॉर्मूला कॉस स्क्वायर में चाहिए होता था तो मैं सारे साइन स्क्वायर को किसमें चेंज करता, कॉस स्क्वायर में चेंज करता, बात समझिए क्या। तो ये आपके पास क्या होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने का, है ना। अब चाहोगे तो इस फॉर्मूले को भी इसी तरीके से प्रूफ कर देंगे, मैं बता दूँ इन सारे फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, है ना। चलिए ठीक है फटाफट नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। है ना बात करें आगे, चलिए ठीक है देखते हैं। सर ये दो रेस्ट फॉर्मूला आपका बचा हुआ था तो मैंने आपको करवा दिया है ना। चलिए आप बोलोगे सर कुछ क्वेश्चन वगैरह होना चाहिए इस पर, मैं बोला बिल्कुल होगा, आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन के लिए है, है ना, उस क्वेश्चन के लिए है भाई साहब ये, ठीक है। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि पूरा इलेवन तो पूरा ट्वेल्थ का लेक्चर बैठ जाएगा यार, ठीक है, तो आपने यार बिल्कुल लगे रहेगा एकदम लाइन से, ठीक है। और ज़्यादा बेटर हो तब होगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो सबसे बेस्ट होगा कि आप इस चीज़ को बहुत तेज़ी से पढ़ पाएंगे, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास तुरंत में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है क्योंकि किसी कारण से मैं थोड़ा सा व्यस्त रह रहा हूँ, अदरवाइज कुछ समय बाद ये वीडियो आपके पास लगातार चलता चला जाएगा, है ना। चलिए ठीक है क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, सबसे पहले की बात कर लेते हैं क्वेश्चन कौन सा इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें मान लिया पास इवेलुएट, इवेलुएट कितना इवेलुएट करना है, टेन कितना बेटा 105 डिग्री, टेन कितना 105 डिग्री का वैल्यू दिया था, ठीक है, मतलब यह फाइंड द टेन 105 डिग्री रिजल्ट, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे इसमें, ठीक है देखिए, तो टेन जो है भाई साहब 105 डिग्री, क्या मैं 105 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो टेन कितना हो गया पास 16, अब प्लस कितना हो गया 45, वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ठीक है सर, तो इसमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला कल जो मैंने लिखवाया था टेन ए प्लस टेन बी, अगर आप नहीं देखे हैं ना यार तो प्रीवियस लेक्चर वाले जा इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर वीडियो जाकर देखिए, ठीक है ना, आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। लेक्चर 5, ये लेक्चर 6 होने वाला है ना ट्रिगोनोमेट्री का, और डिवाइड कितना होना है 1 माइनस डिवाइड में कितना 1 माइनस टेन 16 इंटू यानी टेन ए इंटू टेन बी, टेन बी यानी कितना 45, वेरी गुड। आगे देखते हैं टेन 60 का रिजल्ट होता है सर रूट 3, और इसका रिजल्ट होता है 1, ये होता है 1 माइनस ये बेटा पास रूट 3 हो गया, ये तो 1 हो गया, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है ये 1 रह जाएगा, यानी रूट 3 प्लस 1 हो गया नीचे में, ये हो गया पास, अच्छा यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो एक पल के लिए, तो कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 हो गया। यार इस फॉर्मूला को ना आप इस फॉर्म में मत याद रखा करो, मैं बार बार बोलता हूँ इस फॉर्म में याद रखना जरूरी नहीं है, आप क्या करेंगे रेशनलाइज कर दिया करो यार, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो ना आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, देखिए तो कितना होगा रूट 3 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर भी अगर ये रेशनलाइज करोगे तो रूट 3 प्लस 1 हो गया, नीचे में कितना होगा पास रूट 3 माइनस 1 है, और कितना पास रूट 3 प्लस 1 है। बात अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ देखिएगा कितना होने वाला है सर, माइनस को बाहर निकालो एक पल के लिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, प्लस कितना हो गया 2√3, वेरी गुड। नीचे देखते हैं फटाफट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस हो गया, 3 कितना हो गया 4 यानी 4 प्लस कितना हो गया 2√3, है ना, और ये कितना है भाई साहब 2 है। ऐसा करते हैं हम वहाँ से 2 बाहर निकाल दें तो कितना हो जाएगा माइनस 2 माइनस कितना हो गया √3 बटा कितना हो जाएगा पास 2, 2 2 कट गया, चाहो तो माइनस बाहर निकाल दो 2 प्लस √3, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ कितना पास टेन 105 डिग्री, टेन 105 डिग्री, है ना। अच्छा इसको एक और तरीका था यार, एक और तरीका था, याद करो कि कौन सा बोले सर कौन सा तरीका था यार, मतलब कि कल ही मैंने आपको ये बताया था, याद होगा कल ही मैंने आपको ये बताया था, नहीं यार वो 10 15 डिग्री का रिजल्ट था, और ये कॉट 15 डिग्री आएगा, कॉट 15 डिग्री प्लस में आता है, और जबकि 10 15 डिग्री कितना आता है माइनस में आता है, 2 माइनस √3 आता है उसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को यहीं पर लिख लीजिए पहले, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जहाँ कहीं भी समझने में आपको तुरंत दिक्कत आए तुरंत आप मुझे मतलब क्या करेंगे मैसेज करेंगे, ठीक है ना। नीचे जो दिया हुआ नंबर है वो मैं बता दूँ आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी है वो, ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर भी है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा,
आप कुछ भी उसमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे। तो अगर हमारे पास समय मिलेगा तो हम तुरंत आपके उस मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्या देखे था क्वेश्चन, ये है प्रूव दैट, है ना क्वेश्चन भाई साहब पास कितना है, प्रूव दैट पास टेन सेवेंटी, देखिए तो कितना टाइम पास टेन सेवेंटी डिग्री ना इज इक्वल्स टू टेन कितना है पास ट्वेंटी डिग्री आप प्लस टू टाइम्स, प्लस कितना हो गया पास टू टाइम्स टेन कितना हो गया पास फिफ्टीन, टेन कितना हो गया पास फिफ्टीन डिग्री। तो दिस इज द क्या पास फाइनल क्वेश्चन है। अब देखिएगा बोलो सर ये जो आप क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो उसमें इससे इसको लेना देना क्या है, इस क्वेश्चन को देखकर हमें कैसे पता चलेगा। बोला आपके पास पता तो तब चल जाएगा आपके पास कंपाउंड एंगल के बारे में, जैसे ही आपके पास सामने दिखेगा ना कि किसी जो जो एंगल दिख रहा है, जो जो एंगल दिख रहा है क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, क्या मैं 20 और 50 को जोड़ूंगा तो 70 आ जाएगा क्या, बोलेगा क्या मैं 20 और 50 को जोड़ दूँ तो क्या 70 आ जाएगा क्या वहाँ पे, बोले कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना वहाँ पे 70। तो बोले ठीक है सर 70 आ जाएगा, अच्छा बात है। तो बोलेगा 70 आ जाएगा तो हम लोग काम करना चालू करते हैं ना फिर आगे, ठीक है तो देखते हैं हम लोग क्या काम करना है फिर यहाँ पे। चलिए तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, पूरे इस चीज़ को प्रूफ करना है, पूरे इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देना था, जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि मतलब LHS RHS यहाँ लेकर चलोगे ना तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बस देखना है कि पूरे क्वेश्चन क्या डेवलपमेंट करवाना चाह रहा है हमसे। तो पूरा क्वेश्चन जो है ना 70 है 20 50 मतलब वी नो दैट कि 20 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 70 हमें ये पता होता है। तो हम ऐसा करेंगे 20 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 70 लेकर चके चलेंगे और उस पूरे क्वेश्चन को ही डेवलप कर देंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जब भी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिखाई दे, जैसे मान लो यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, यहाँ बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं ए बी सी में समथिंग कुछ रिलेशन दिया रहेगा। अगर आप उस रिलेशन को लेकर चलेंगे ना, ठीक है, और दोनों तरफ अगर साइन है तो साइन लगा दिया, कॉस है तो कॉस लगा दिया, टैन है तो टैन लगा दिया, तो फॉर्मूला को थोड़ा जल्दी हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा आपको इसको सॉल्व करने में, है ना। तो देखिएगा कितना करने वाले सर, वी नो दैट यहाँ से, है ना, वी क्यू क्या है, वी नो दैट सर क्या जानते हैं हम लोग, हम बोले हम जानते हैं यहाँ पे कि 20 डिग्री हो गया प्लस जो है 50 डिग्री हो गया बराबर कितना के पास 70 डिग्री होगा, वी नो दैट। अच्छा फॉर क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन तो है ना वो टेन में चाहिए मुझे, तो अप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेन लगा दें, 20 डिग्री प्लस कितना हो गया पास 50 डिग्री अब बराबर कितना हो गया पास टेन 70 डिग्री। सर जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था ना वो तो मेरे पास आ गया, टेन 70 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था आ गया, राइट हैंड साइड का यार बात बराबर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बात बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कर दिया हमने, कितना कर दिया देखो तो टेन 20 यानी टेन इसको ए माना इसको बी माना, तो टेन ए प्लस कितना हो गया टेन बी, टेन ए प्लस क्या पास टेन बी डिवाइडेड बाई साहब वन माइनस कितना हो गया पास टेन ए और इंटू कितना हो गया पास सॉरी टेन ए लिख रहा हूँ ना 20 लिख देता है, टेन ए इंटू कितना हो गया पास टेन बी 50 है बराबर कितना हो गया भाई साहब टेन कितना हो गया 70। बोलो सर इसके बाद क्या करेंगे आप, मतलब इसके बाद भी देख सकते हैं आप अच्छे से, कोई खास बात नहीं है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि राइट साइड में आप 70 देख 10 70 देख लिए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, लेकिन क्या आपको डिनोमिनेटर में आप कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना भाई साहब, तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला जो बात आ रहा है ना ये बिगाड़ता रहा है मेरा खेल को, मतलब कोई दिक्कत नहीं ऐसा करते हैं इसको उधर मल्टीप्लाई में करते हैं अपने आप कुछ ना कुछ बात बनेगा, मतलब चलो ठीक है नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना पास 10 20, ठीक है प्लस कितना हो गया 10 कितना हो गया पास 15 और इसको उधर इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 × 10 70 कितना आपके पास 10 कितना पास 70 आ जाएगा और माइनस 10 70 × 10 20 × 10 50 दैट इज इक्वल कितना हो गया पास देखिए 10 20 × 10 कितना हो गया पास 50 × 10 कितना हो गया सर हो गया 70 वेरी गुड कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, ये जो 10 70 था ना यार यही मुझे यहाँ चाहिए था, तो मतलब ये जो पार्ट है यार इस पार्ट को आप इधर लेकर चले जाइए प्लस आपका क्या हो जाएगा बात बन जाएगा, बोलेंगे ना आप इस बात को कि सर बात बन जाएगा हमारे पास ना, चलो ठीक है बात बनाते हैं यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तो भाई साहब इसको इधर लेके आ जाते हैं, बोलोगे सर क्या हो जाएगा देख लो, मैं बोला इसको इधर लेके आ जाओ कितना आ जाएगा देखना, तो 10 20 है और 10 कितना है पास 50 है, 10 कितना है पास 70 है, ये देखिएगा ये कितना है पास 10 क्या है पास 20 है प्लस कितना है 10 कितना है पास 50 है अब बराबर कितना है ये हमारे पास 10 ये वाला 10 कितना है 70। सर लेफ्ट हैंड साइड में जो 10 70 है ना वो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ रखा है, लेकिन हमारे पास यहाँ जो राइट हैंड साइड में है ये है मतलब 10 20 और 10 50 है बस, और याद रखिएगा 10 50 पर टू टाइम्स है, तो यहाँ पर 10 50 जो मेरे पास है वन टाइम है यहाँ पे, ठीक है टू टाइम तो है नहीं, लेकिन यार यहाँ पर ना यहाँ पर 10 50 और 10 20 भी देखो 10 20 भी है 10 50 टू टाइम्स है बट यहाँ एक बार है। बात क्या बिगाड़ रहा है, बात बिगाड़ रहा है कि सर कि आपके पास ये जो है ना यार 10 50 मुझे चाहिए मतलब इसको छोड़ना है, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं यार खत्म होना चाहिए,
अब ये टेन फिफ्टी रह जाता और ये दोनों खत्म हो जाए तो कितना हो जाएगा, टेन फिफ्टी प्लस टेन फिफ्टी दैट इक्वल टू टू टेन फिफ्टी, और ये कितना हो जाएगा टेन ट्वेंटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टेन ट्वेंटी हो जाएगा। बोलोगे सर आप क्या करोगे फिर, मतलब देखो अच्छे से देखना एकदम बिल्कुल ना, टेन ट्वेंटी और टेन सेवेंटी यार दोनों वन होता है, दोनों का रिजल्ट कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट वन होता है। बोलोगे कहाँ से होता है सर, देखिएगा मैं बता रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख दूँ कि टेन ट्वेंटी को टेन ट्वेंटी लिख दूँ, समझिएगा ना, टेन ट्वेंटी को टेन ट्वेंटी लिख दिया और कितना हो गया टेन फिफ्टी को टेन फिफ्टी लिख दिया। अच्छा टेन सेवेंटी को अगर मैं लिख दी कॉट ट्वेंटी तो कोई दिक्कत है क्या, टेन सेवेंटी को मैं कॉट ट्वेंटी लिख दिया तो दिक्कत है भाई साहब, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्यों, वी नो दैट कि टेन सेवेंटी को हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखना तो टेन कितना पास नाइन्टी माइनस कितना ट्वेंटी, और टेन नाइन्टी माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना पास कॉट थीटा यानी कॉट ट्वेंटी है ना। नेक्स्ट ये जो हमारे पास है भाई साहब ये है टेन कितना पास ट्वेंटी है प्लस ये कितना है जी टेन हमारे पास क्या है फिफ्टी है, और इधर जो राइट साइड में आ रहा है ना टेन कितना है भाई साहब सेवेंटी है। बात बन गया देख लो, टेन ट्वेंटी कॉट ट्वेंटी, टेन ए इंटू कॉट ए, टेन ए इंटू कॉट ए कितना होता है वन होता है, कितना होता है वन। तो बस बात बन गया हमारा काम, देखिएगा तो फाइनली बात ये है कि सर आपके पास जो चाहिए था ना वो तो आ गया यार, ठीक है आप देख लीजिए, यानी ये जो रिजल्ट है यार ये रिजल्ट कितना हो गया पास वन हो गया, तो आप कितना लिख देंगे यहाँ पे, ये हो गया भाई साहब टेन कितना हो गया फिफ्टीन, अब प्लस ये कितना हो गया टेन, ये हो गया टेन कितना पास ट्वेंटी, टेन कितना हो गया ट्वेंटी, और ये कितना हो गया टेन फिफ्टी, कितना पास टेन कितना हो गया फिफ्टी, और ये कितना बराबर टेन कितना हो गया पास सेवेंटी, कितना हो गया टेन सेवेंटी, टेन फिफ्टी टेन फिफ्टी दैट इज इक्वल टू टेन फिफ्टी, ये तो हो गया टेन कितना पास ट्वेंटी, अब प्लस टू टाइम्स टेन कितना हो गया पास फिफ्टी ना, अब बराबर कितना हो गया टेन कितना हो गया पास सेवेंटी, तो दिस इज द क्या पास फाइनल आंसर, दिस इज द क्या फाइनल आंसर। यही मुझे प्रूफ करना था, यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था, मैंने बताया था कि जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एक काम करना है, और काम ये करना है ना, ठीक है ना, कि अगर आप देख लेना है कि प्रूफ करना है तो ट्वेंटी फिफ्टी और सेवेंटी था यार, ऐसा अगर क्वेश्चन जब भी होगा ना तो ट्वेंटी प्लस फिफ्टी बराबर सेवेंटी लेके चलेंगे ना तो दोनों साइड एक साथ प्रूफ हो जाएगा। अगर आप एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ करने के चक्कर में रहोगे ना यार तो फिर ये क्वेश्चन आपके पास मामला बिगड़ जाएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम ये नहीं बोलते कि नहीं बनेगा, बनेगा बट मामला बिगड़ जाएगा, है ना। चलो ठीक है नोट कीजिएगा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, चलिए बेटा देखिएगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भाई साहब हमारे सामने वो देखा जाएगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपके पास देखिए तो आपसे बोला गया है ना हाँ इवेलुएट करना है, देखिए तो इवेलुएट इवेलुएट है ना, इसका रिजल्ट बताना है, किसका रिजल्ट बताना है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको रूट थ्री, कितना पास रूट थ्री है, और याद रखिएगा कॉसिक है ना, कॉसिक ट्वेंटी डिग्री और माइनस कितना है सीक, कितना है भाई साहब ट्वेंटी डिग्री, आपको इसका रिजल्ट बताना है यार, क्या बताना है इसका रिजल्ट बताना है। बोलो सर कैसे करेंगे ये, आप ना तो मुझे 20 डिग्री का रिजल्ट पता है सेक, और ना ही मुझे कॉसेक 20 का रिजल्ट पता है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है तो बोलो सर करेंगे क्या, मतलब चलो देखो अच्छे से, अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे इसको तो रूट थ्री है आपके भाई साहब हमारे पास कॉसेक कितना है 20 डिग्री है माइनस कितना है सेक के पास 20 डिग्री है। अगर आप एक पल के लिए ध्यान देते कॉसेक और सेक देख कर मुझे लग रहा सर ये तो बात कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जो हम पढ़े भी हैं ना वो ज़्यादातर साइन कॉस में ही पढ़े हैं, सेक ए प्लस बी और कॉसेक ए प्लस बी वगैरह का तो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, तो मामला उस पर तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर सबसे पहले आप इसे साइन कॉस में यार कन्वर्ट कर लो, तो रूट थ्री है यहाँ साइन को लिखेंगे वन अपॉन कितना कॉसेक को लिखेंगे वन अपॉन साइन ट्वेंटी और माइनस को क्या लिख देंगे वन अपॉन कॉस ट्वेंटी। सर अगर एलसीएम वलसीएम ले लेंगे तो नीचे भाई साहब आ जाएगा कितना पास साइन ट्वेंटी, ठीक है इनटू कितना हमारे पास है याद रखिएगा, या फिर रुको एक मिनट ना थोड़ा सा और बात को बनाते हैं। बोलो सर क्या बात बनाओगे, मतलब देखो अच्छे से मैं क्या करने वाला हूँ ना, कुछ कर दे क्या, ठीक है देखते हैं। अब देखिए ना मैं आपसे क्या बोलूँ, चलो यार कोई दिक्कत नहीं, लिख दो पहले रूट थ्री हो गया और ये कितना मेरे पास एलसीएम लिख लो कितना है साइन कितना है ट्वेंटी इंटू कितना है कॉस ट्वेंटी है ना, आगे देखते हैं ये रूट थ्री हो गया और इससे डिवाइड करेंगे ना तो कॉस ट्वेंटी बचेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस कितना हो गया 20, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कटेगा कितना पास साइन 20। बोलो सर बात तो बनानी है यार, मतलब बात बनेगा यार, बात बनेगा टेंशन मत लो आप, ये कितना है साइन 20 हो गया इंटू कितना हो गया कॉस कितना हो गया भाई साहब 20 हो गया,
यार ये फॉर्मूला ना, मतलब नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है उस पर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो हम लोग सब मल्टीपल एंगल पर एक फॉर्मूला है उस पर शायद क्वेश्चन आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं उसको, चिंता मत करिए। ठीक है ना, हमने क्या बोला, ठीक है भाई साहब ये तो रूट थ्री था, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो ठीक है रूट थ्री से, दिख रहा है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ, रूट थ्री से टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट थ्री जो था ना, रूट थ्री जो था कॉस 20 और माइनस कितना है साइन कितना है 20। मैंने बोला कि देखो तो यहाँ पे टू तो टू हो गया, क्या ये टू हो गया, आगे समझिएगा। इसी ये जो नीचे वाला है ना भाई साहब टू साइन ए, मैं बता दूँ बेटा एक फॉर्मूला होता है ठीक है, साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए इंटू कितना होता है कॉस ए, यानी टू साइन ए इंटू कॉस ए, अगर ये दोनों ए है मल्टीप्लाई में और टू से बाहर मल्टीप्लाई है तो साइन ए को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है सब मल्टीपल एंगल का, ये मैं भी आपको डिस्कशन करूंगा अभी आपको ना, बट क्वेश्चन आ गया तो चलो यार देख ही लेते हैं, है ना, ठीक है ना, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है कि क्या हमारे पास है। चलिए देखिएगा, तो हमने क्या बोला, पास की जो नीचे वाला है ना भाई साहब टू साइन 20 इंटू कॉस 20 दैट इज इक्वल कितना है पास साइन कितना है पास 2 इंटू 20 कितना है 20। ये देखिएगा ये जो है ना भाई साहब रूट थ्री है यार, कॉस कितना हो गया 20 और माइनस कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानो ना इसको, साइन कितना आ गया 20। बोलो सर बताना क्या चाहते हो यार, ये तो गजब का चीज़ होता चला जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही गजब का चीज़ होता चला जाएगा। चलो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, नेक्स्ट मैं आपसे क्या बोला यहाँ पे कि देखो क्या करने वाले हैं सर, ये तो हो गया हमारे पास कितना 2 बटा कितना हो गया साइन हो गया 2 इंटू 20 यानी 40 हो गया, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40। सर इसको क्या करोगे, अरे इसको देखो ना 20 है कॉस टाइम 20 है, तो सर ये तो मतलब यार अजीब सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बढ़िया से देखो, आपको करना क्या है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, मतलब ए इंटू कॉस प्लस बी, मतलब इस टाइप का दिखे ना बेटा, ए कॉस थीटा और प्लस माइनस थीटा बी साइन थीटा, अगर ऐसा कभी दिखता है कोई बात बनाना चाहते हैं तो कॉस थीटा का कोफिशियंट और साइन थीटा का जो कोफिशियंट है ना उसके स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर का सम का रूट से क्या करेंगे पूरे को डिवाइड करेंगे, पूरे को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना, ये सब बेसिक मैथ में भी आने वाला है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन वैसा सामने दिला गया तो चलो यार पूरा कर देते हैं एक बार, है ना। तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर कितना आ गया 3+1 यानी 4, यानी रूट 4 कितना हो गया 2, यानी कम्प्लीटली सर 2 से पूरे को डिवाइड करो, ठीक है, लेकिन 2 से डिवाइड करो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, देखो रूट 3 बटा कितना गया 2, कॉस कितना हो गया 20 माइनस 1 बटा कितना हो गया 2, साइन कितना हो गया 20। सर आया हमारे पास कितना, ये तो आ गया 4 अपॉन कितना आ गया साइन कितना आ गया 40। सर यहाँ पर क्या है डेढ़ा देखो, पर अच्छे से देखना क्या रूट 3 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो तो साइन 60 डिग्री और इंटू ये कितना हो गया कॉस 20 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखना तो कॉस 60 डिग्री और ये कितना हमारे पास हो गया भाई साहब साइन 20। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, ये तो 4 है साइन कितना हो गया 40। अब ये देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यानी कितना होता है साइन ए माइनस बी, यानी कितना आ गया भाई साहब साइन हो गया ए माइनस बी यानी साइन 60 माइनस 20 यानी कितना आ गया 4 बाई कितना हो गया साइन 40 इंटू कितना आ गया साइन कितना का 40, साइन 40 साइन 40 कट गया, दिस इज इक्वल टू कितना पास 4, तो दिस इज क्या पास फाइनल आंसर, यही हमारे पास क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे आप, चलिए आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ना, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला गया ना कि इफ ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर कितना 45 डिग्री है ना, देन प्रूव दैट, क्या लिखा गया पास देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है वैसा वो देखिएगा, देन प्रूफ दैट प्रूफ ये करना है आपको, देन प्रूफ दैट क्या पास दिखे तो 1+ कितना है tan a है ना इंटू 1+ tan a इंटू 1+ tan b इज इक्वल टू भाई साहब कितना है 2, इज इक्वल टू भाई साहब कितना है 2, ये मुझे प्रूफ करना है यार, ये क्या करना है मुझे प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसको, है ना, मैंने कल भी कुछ क्वेश्चंस बताया था आपको उस पर, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हुए थे, आज भी दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये आपके पास देखते हैं ना सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसमें तो कितना होने वाला है, सर मुझे पता है कि ए प्लस बी जो है ना 45 डिग्री है यार, ठीक है ए प्लस बी क्या है 45 डिग्री। एक चीज़ और है,
आपको ए बी इधर दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब फिर से सर वही चीज़ दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी ए बी और 45 है, ए बी कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि फिर से अगर हम ए प्लस बी को लेकर चलेंगे ना तो मामला तुरंत सेट हो जाएगा। तो देखते हैं, गिवन दैट, जो गिवन है ना, गिवन दैट क्या था हमारे पास, गिवन से ये था भाई हमारे पास कि ए प्लस बी बराबर कितना है जब पास 45 डिग्री है, ए प्लस बी कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। वी कैन अप्लाई हियर टैन ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, टैन को अप्लाई करते हैं, टैन ए प्लस बी अब बराबर कितना हो गया भाई साहब, टैन कितना हो गया पास 45, मतलब है ना, वी विल अप्लाई किया पास टैन ए टैन ऑन बोथ साइड। यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला वी नो दैट कि टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी आर डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 1 माइनस टैन ए इंटू कितना हो गया पास टैन बी हो गया, ये हो गया। अब बराबर क्या बोलोगे, टैन 45 का रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है, पता है क्या यहाँ तक बोलेगा तो जरा सा आप लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है सर, बोलोगे अब क्या करोगे यार आप, मतलब देखो इसको जो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, देखिएगा तो टैन ए हो गया भाई साहब यहाँ पे प्लस टैन कितना हो गया बी हो गया, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू समथिंग क्या 1 हो गया, और 1 इंटू 1 टैन ए इंटू टैन ए इंटू टैन बी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यही रह जाएगा भाई साहब। आपने यार इसको इधर लेके आ जाओ तो मैं आपसे बोलूँगा कि सर टैन ए हो गया आप प्लस कितना है जी पास टैन बी हो गया, और ये कितना कितना रहेगा प्लस टैन ए इंटू कितना है टैन बी है अब बराबर 1 है। अब यहाँ पर ना यार आपको सोचना पड़ जाएगा, बोलो सर अब क्या करेंगे सर, आप तो ये तो बताओ, मतलब देखो राइट साइड में आपके पास 2 दिख रहा है, राइट साइड में क्या दिख रहा है बेटा 2, क्या आपको यहाँ पर राइट साइड में 2 दिखा है क्या, 2 दिखा है क्या यहाँ पे, नहीं दिखा तो नहीं दिखा तो यार मैथमेटिक्स का अपना एक फंडा है, जो चीज़ नहीं दिख रहा ना यार उसको जबरदस्ती करो, ठीक है ना, पक्का देखना रिजल्ट आ जाएगा। देखो मैं करने वाला हूँ, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, समझिए मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, तो इधर लेफ्ट साइड में पहले 1 ऐड कर रहा हूँ, क्या करें 1 प्लस कितना आ गया टैन ए प्लस कितना है टैन बी, अब प्लस कितना है पास टैन ए इंटू टैन कितना हो गया बी, अब बराबर इधर क्या था 1 था ना, तो 1 प्लस 1 कर लेंगे यानी 2। अब देखो यहाँ से इसमें से जो है इसमें से टैन बाहर टैन बी बाहर ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए तो 1 प्लस कितना हो गया पास टैन ए, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं था तो 1 ले लिया कॉमन हमने, यहाँ देखो प्लस इन दोनों में से टैन बी कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे कॉमन टैन बी, यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ से क्या बचेगा टैन बी लिया तो टैन ए बचेगा, ठीक है ना, अब बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, बढ़िया से देखिएगा टैन 1 प्लस टैन ए 1 प्लस टैन ए दोनों में कॉमन है, ठीक है तो 1 प्लस टैन ए दिस इज द 1 फैक्टर एंड क्या बेटा पास 1 प्लस टैन बी, 1 प्लस कितना हो पास टैन कितना हो गया बी, दिस इज द अनदर फैक्टर बराबर कितना हो गया 2, ठीक है यही हमें प्रूफ करना था भाई साहब। अब देख लीजिए रिजल्ट आ गया कि नहीं आएगा, आ गया ना रिजल्ट आपका, ठीक है तो चलिए ठीक है, आज का क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे आज, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे बढ़ना है या फिर इसी पर एक दो क्वेश्चन और करवाना है, मुझे लगता है इस पर भी कुछ जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा बहुत देख लिया जाए फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, है ना।